हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और हम कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी की पूरी वारदात की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ये कल जो आपने फोन कॉल देखी वहां पे आके बात अटक गई थी। उनका ये कहना था कि आप पैसा डिलीवर अगर लेना चाहते हैं तो आप विवेक यादव की जो बात हुई, विवेक यादव को उन्होंने कहा कि आपको एमएलए को हमें हैंडओवर करना पड़ेगा, एमएलए हमारी कस्टडी में आएंगे। हमें लगा एमएलए की जान को खतरा है इसीलिए एमएलए वहां पे नहीं गए, नहीं तो शायद आज आपको हम वो टोकन मनी जो दे रहे थे वो टोकन मनी भी आज हम आप लोगों के सामने पेश कर सकते थे। हमें ये लगता है दिनेश मोहनिया भी यहां बैठे हैं, विवेक यादव भी यहां बैठे हैं, इन दोनों की जान को खतरा है। अगर आने वाले दिनों में इनके इनको कुछ भी होता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया ने बीजेपी पर पार्टी को समर्थन के बदले रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाया। दिनेश का कहना है कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। बीजेपी वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। जिस तरह की राजनीति उन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू से की है उसे करना बंद करें और ये ईमानदार राजनीति की शुरुआत जो अरविंद जी ने की है उसको देखते हुए इनको ये बेईमानी की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। देखिए बीजेपी बार बार कह रही है कि हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग है ये साफ साफ बता रही है कि बीजेपी के नेता खरीद फरोख्त करके किसी भी कीमत पे करोड़ों ऑफर कर करके आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भजन कीर्तन थोड़ी कर रहे हैं, यही तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, यही तो खरीद फरोख्त होती है। और क्या राजनाथ सिंह सीधे जाके विधायक से बात कर रहे होंगे?